वेलकम बैक मॉल इलेक्ट्रॉन यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम आपको 7840 के बारे में थोड़ी जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक 7840 का एक आईसी है जो कि हमारा वर्टिकल विभाग के लिए होता है, वर्टिकल आउटपुट के लिए होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो बुक में हमने जो डायग्राम दिया हुआ है वर्टिकल, ये हमारा वर्टिकल विभाग के लिए होता है। वर्टिकल आर्सिलेटर इसमें चार पॉइंट होते हैं। नंबर एक वर्टिकल आर्सिलेटर, देख सकते हैं वर्टिकल प्री एम्पलीफायर, वर्टिकल ड्राइवर, वर्टिकल आउटपुट। तो अब इसको मैं बुक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हैं कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि 7840 की पहली नंबर पिन पे आपको चार बोल्ट आउट वोल्टेज दिखने को मिलेंगे और नंबर दो पिन पर आपको 27 बोल्ट मिलेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं 27 बोल्ट सप्लाई इनपुट फ्रॉम पावर सप्लाई से, 27 बोल्ट इनपुट होंगे। पिन नंबर दो जो है BCC2 जो कि है इनपुट। अब अगली बात करते हैं हम पिन नंबर तीन की। आप देख सकते हैं कि पिन नंबर तीन पर हमें 14 वोल्टेज प्राप्त होंगे जो कि पुमा आउट के हैं। ये हमारे 27 वोल्ट की लाइन से कैपेसिटर की एक कैपेसिटर लगाकर 100 UFE का कैपेसिटर लगाकर इसको 14 वोल्ट ले गए हैं। जो हमारी चार नंबर पिन आती है, आप देख सकते हैं इसमें जो हमारी चार नंबर पिन आती है वो 0 वोल्ट होती है जो कि ग्राउंड की होती है। नंबर पाँच पिन की बात करें तो पाँच नंबर पिन पर हमें 2 वोल्ट मिलेंगे जो कि हमारी वर्टिकल फ्रिक्वेंसी से होती हुई जो हमारी ड्राइवर से होकर योग के थ्रू जाती है। वर्टिकल फ्रिक्वेंसी नंबर पाँच पिन होती है जो आउटपुट की होती है, 2 वोल्ट आते हैं। नंबर छः पिन की बात करें तो BCC1, नंबर दो था BCC2 और नंबर वन छः है जो BCC1 जो कि हमारी 27 वोल्ट आउटपुट से एक टायर्ड जो है 407 के सहायता से जुड़ा होता है। नंबर सात पे आए ब्लैक आउट, नंबर सात की बात करें जो है ब्लैक आउट जो 8 वोल्ट सप्लाई इनपुट फ्रॉम पावर सप्लाई जो होती है। 8 वोल्ट एक रेजिस्टेंस लगी है 1K5 की कैपेसिटर के साथ साथ एक रेजिस्टेंस यहीं पे लगी है, तो जो हमें 3 से 5 वोल्ट यहाँ पर मिलते हैं। तो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी।